द केरला स्टोरी ट्रेलर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी ट्रैफिक है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री अगेन। दोस्तों कोई इसे केरला फाइल्स बता रहा है तो कोई इसे कश्मीर फाइल्स के साथ जोड़ रहा है। द केरला स्टोरी टीजर आने के बाद से ही पिछले 5 महीने से इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाकर पहले मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उन्हें ISIS टेररिस्ट बनाकर सीरिया, यमन और अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या द केरला स्टोरी कितना सही है और इसमें जो दिखाया गया है क्या वैसा ही केरला लव जिहाद होता है, और इसमें जो 32,000 हिंदू गर्ल्स की बात फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा कर रही है वो नंबर कितना सही है। फिल्म में 32,000 लड़कियों के केरल से गायब होने का दावा किया गया है। इस आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को आया था और तभी से इसको लेकर बहस छिड़ गई थी। मेकर्स का दावा है कि फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, पर क्या किसी राज्य से 32,000 लड़कियां धर्म बदलकर आतंकी संगठन में शामिल हो जाएंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सवाल सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि लड़कियों को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया गया है। पहले उन्हें इस्लाम के करीब लाया जाता है, फिर लव जिहाद के जरिए मुस्लिम लड़के उनसे शादी करते हैं और फिर नर्स बनने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाता है, जहां वो ISIS के चंगुल में जा फंसती हैं। दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर के आते ही हंगामा हो गया। एक वर्ग इस ट्रेलर को प्रमोट कर रहा है, वहीं कई लोग फिल्म को एजेंडा बता रहे हैं। ट्विटर पर कई तरह की राय सामने आ रही है। फिल्म तो बन गई है और यह फिल्म 5 मई 2023 को रिलीज होने वाली है, मगर सवाल है कि जो दावा किया गया है उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। जनवरी 2022 में NIA ने खुलासा किया था कि केरल में इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल एक्टिव हैं। उस वक्त 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। NIA का दावा था कि केरल के मुसलमान नौजवानों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश हुई। ये भी बताया गया कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ओमन चांदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान धर्म परिवर्तन के आंकड़े सामने आए थे। उन आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 से 2012 के दौरान 7,713 लोगों ने इस्लाम कबूला था। साल 2009 से 2012 के दौरान जितने लोग कन्वर्ट हुए थे उनमें 2,667 महिलाएं थीं। इनमें 2,195 नौजवान हिंदू लड़कियां थीं और 492 नौजवान ईसाई लड़कियां थीं। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग है जिसमें एक लड़की कहती है, ये ग्लोबल एजेंडा है। हमारे पूर्व CM ने कहा है कि अगले 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ट्रेलर के आखिर में अदा शर्मा, जो कि शालिनी उन्नीकृष्णन और फातिमा वी का किरदार निभा रही हैं, वो कहती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरी जैसी हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देगी, ये फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसे विपुल अमृत लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा के अलावा योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी, विजय कृष्णा, प्रणय पचौरी और प्रणव मिश्रा जैसे कलाकार हैं। तो दोस्तों क्या आप भी इस मूवी को देखने जाएंगे? द केरल स्टोरी कितना सच्चा है और कितना झूठ, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हिस्ट्री अगेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।